part 3 of celery. Perquisites. सबसे पहले फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्कॉलरशिप यूनिफॉर्मली टू ऑल नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट चलाया था। ऐसा बोले जामनगर में जितने बच्चों को 80% ज्यादा टेंथ में आएगा उसका पढ़ने का एक्सपेंस हम पे करेंगे, तो रिलायंस एम्प्लॉय को बच्चे होंगे उसको भी 80% ऑफ आएगा, तो उसको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, 50,000 दिया जाएगा, वॉट एवर अमाउंट दी जाएगी, तो वो आपके हाथ में रिलायंस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रेनिंग है, स्कॉलरशिप है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ भी डायरेक्ट एम्प्लॉयर ने पे किया है वो फुली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर अपने आप अपने ओनरशिप का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो फीस है ना वो फीस में से 1000 पर मंथ पर चाइल्ड उतना आपको डिडक्ट मिलेगा, उतना आपको एग्जाम मिलेगा, या डिफरेंट वे से एज लाइक अलाउंसेस आपको दिया है। फेयर वैल्यूज यानी फीस चार्ज को मदर अदर स्टूडेंट, फीस चार्ज को अदर स्टूडेंट 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है, पहली यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है, जैसे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल में दो चाइल्ड की लिमिट थी वैसे यहाँ एजुकेशन के जो फर्क है ना वहां पे मैक्सिमम चाइल्ड की लिमिट नहीं है आपकी कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे ओन चाइल्ड है ना उसका 1000 का एग्जेंप्शन मिलेगा। फैमिली मेंबर्स को ये अपना ब्रदर सिस्टर है अपने भाई का बेटा है वो कोई उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो उसकी जो फेयर वैल्यू है ना देट विल बी द वैल्यू ऑफ द पर्क। आपकी कंपनी तो ऐसा भी बोल सकती है आपका कोई भी फैमिली मेंबर चलेगा आप पढ़ सकता है यहाँ पे पढ़ सकता है तो जितना उसका और बच्चों से फी लिया जाता है ना उतना फी हमारे हाथ में इनकम हो जाएगा क्योंकि हमें फ्री ऑफ दिया गया है। देट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पर्क विद इट इन शॉर्ट 1000 पर मंथ नो लिमिट ऑफ द चाइल्ड ओनली ओन चाइल्ड लीव ट्रैवल कंसेशन इन इंडिया LTC। आप लीव ट्रैवल कंसेशन की बात करेंगे ना आप कौन से मोड से जा रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा सुना होगा बैंक मैनेजर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको LTC मिलता है। कई लोग क्या करते हैं LTC से चलो भाई घूम के आएगा अच्छा है घूमना तो चाहिए लेकिन सिर्फ आने जाने का दिया जाता है बाकी एक्सपेंस हमारे होते हैं, टाइम तो हमारा ही होता है, ऋण तो हमारे ही होते हैं, छुट्टी मिलती है। थिंग इज दैट LTC में 4 ईयर के ब्लॉक में दो आपको ट्रिक मिलती है, दो ट्रैवल का आपको फैसिलिटीज दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है। 4 ईयर्स के ब्लॉक में अभी जो चल रहा है वो 18 to 21, कोई भी 4 ईयर के ब्लॉक में दो में था एक ही LTC का बेनिफिट ले पाए तो एक LTC नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर तक कैरी ओवर होगा, एक LTC नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर तक कैरी ओवर होगा। यहाँ पे आप कौन से मोड से जा रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। आप बाय एयर जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास, बाय एयर तो इकोनॉमिक क्लास, बाय रेल है तो फर्स्ट क्लास AC, रेल नॉट अवेलेबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल डिलक्स क्लास, और एक्चुअल एक्सपीरियंस सब जगह आएगा ही, एक्चुअल एक्सपीरियंस विच ऑफ लेस को कॉमन है। नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यू आर यूजिंग द अदर मोड, सेम डिस्टेंस सेम किलोमीटर्स फर्स्ट क्लास रेलवे AC और एक्चुअल एक्सपीरियंस विच के लेस, एयर इकोनॉमिक क्लास, रेल फर्स्ट क्लास AC, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिलक्स क्लास, अदर मोड सिमिलर किलोमीटर्स इन फर्स्ट क्लास रेल AC, विच एवर इज लेस, आपको जो मिला है वो जो इंक्लूड हुआ है जो लेस है उतना आपको एग्जाम दो। LTC में आपका और आपके बच्चों का आपको मिलता है, लेकिन आफ्टर 1st अक्टूबर 1998
only two born child will be allowed. 1-10-98 के बाद जो दो चाइल्ड हुए ना सिर्फ उसका ही मिलेगा, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा चाइल्ड है तो आप ले मत जाओ, लेके जाओ लेकिन उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बेसिकली 1-10-98 के बाद एक चाइल्ड था और दूसरा चाइल्ड मल्टीपल बोर्न हुआ तो कहां पे भी धक्के आने की जरूरत नहीं है, तो चलेगा, एग्जम्पशन भी मिलेगा, एग्जम्पशन भी मिलेगा। 1-10-98 के बाद एक चाइल्ड था, मल्टीपल चाइल्ड की वजह से दो से ज्यादा हो गए तो एग्जम्पशन कंटिन्यू, पहला ही मल्टीपल हुआ तो आफ्टरवर्ड्स नो नीड, हेंस अलाउड ओनली अप टू मैक्सिमम टू। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फैमिली मेंबर्स लाइक पेरेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एक्सेट्रा। आपको बाय स्कूटर, बाय टैक्सी वो सब चार्जेस यहाँ पे कवर नहीं होंगे, रहने का खाने का भी कवर नहीं होगा, और आपके साथ फैमिली मेंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे एलटीसी में कवर होगा, वो सेपरेटली जाएंगे तो कवर नहीं होगा। आपको जो एलटीसी क्लेम करना है, जहाँ पे भी जाना है, शॉर्टेस्ट रूट से जाना है, यानी जामनगर टू मुंबई, लेकिन पूरा इंडिया घूमने के बाद ऐसा नहीं चलेगा, शॉर्टेस्ट रूट एलटीसी ओनली अलाउड। नाउ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन, कोई भी जगह आपके बच्चों की फी भरना है, आपका कोई एक्सपेंस पे करना है, ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन था, आपके नाम का बिल था, आपको पे करना था, आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो आपका वैल्यू ऑफ द पर होगा। लाइफ अश्योरेंस आपका कोई भी प्रीमियम आपके एम्प्लॉयर ने भरा है, लाइक 12% PF, 1,50,000 सुपर एन्युएशन, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, PSI, फिडेलिटी गारंटी, ये सब जो है ना वो अश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय है, अश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय है, उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, तो एग्जम्प्ट है, रूल 3A का कोई स्पेसिफाइड डिसीज है उसके लिए लोन मिला है तो वो एग्जम्प्ट है। ओरिजिनल लोन अमाउंट 20,000 से कम है तो वो भी एग्जम्प्ट है, समझ लो ओरिजिनल 20,000 से ज्यादा था, बाद में स्टूडेंट पे करते 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 वो कम हो गया तो भी चार्जेबिलिटी कंटिन्यू। SBI रेट से, SBI का जो होम लोन है, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन का डिफरेंट डिफरेंट रेट है ना, जो एग्जाम में दिया जाएगा उसी रेट से आपको वैल्यूएशन ऑफ पर फाइंड करना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू SBI रेट, रिकवर्ड है कुछ चार्ज किया है तो SBI रेट माइनस रिकवर्ड आपको करना है। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, फाइंड द मैक्सिमम चार्जेबल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ में आपको मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड करना है और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई आपको SBI रेट करना है तो आपको वैल्यू ऑफ पर होगा। कुछ रिकवर्ड है तो ऑलवेज सभी जगह पे आपको लेस करना है, मंथ की मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड करना है, उस पे आपको SBI रेट अप्लाई करना है, वो आपको भूलना नहीं है। आपकी एवरी मंथ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड करने के बाद, पूरे सारे टोटल करने के बाद एक मंथ का इंटरेस्ट आप अप्लाई करके प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स में देखो फ्रेंड्स, कंप्यूटर लैपटॉप आपको एम्प्लॉयर ने दिया है तो उसका यूज एग्जम्प्ट है, उसके अलावा कोई भी आपको मूवेबल असेट दिया हुआ है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट विल बी वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। मूवेबल असेट आपको कम प्राइस में दिया तो वेबसाइट का चार्ट देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो 50%, कार तो 20%, अदर्स तो 10%, एक पहले दो है ना इलेक्ट्रॉनिक एंड कार 50% and 20% वो WDV है, लास्ट 10% ओरिजिनल कॉस्ट है। यहाँ पे आपको जो डेफ नॉर्मल वियर टियर बाद लेस करने के बाद मार्केट प्राइस यानी वैल्यू ऑफ द असेट फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक 50, कार 20, अदर 10, 50-20 WDV, 10 ओरिजिनल कॉस्ट। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, depreciation will be provided for the full completed year only. If you have purchased assets in 1 lakh,
you utilize these assets 4 years, 11 months, 29 days. It is the other assets. They will be charged for the 4 years only. Ignore the deduction. 4 years ka tape hoga 40,000. तो 60,000 आपका एसेट्स का वैल्यू होगा, वो 10,000 में एम्प्लॉय को दिया है तो 50,000 वैल्यूएशन ऑफर, 1,00,000 का परचेज, 4 साल का डेप 40 लेस करके वैल्यू 60 और 60 ने जितना कम में दिया उतना वैल्यू ऑफर। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज में दो पार्ट है, देखो चार्ट में, वेबसाइट में, इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में तीन वर्क है, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टे एंड ट्रैवलिंग। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अप्रूव्ड बाय IBI, स्टे में वन अटेंडेंट अलाउ। मेडिकल ट्रीटमेंट तो पेशेंट का होता है, तो वन अटेंडेंट का नहीं होता है कि भाई पास उसका भी कर दो, ऐसा नहीं है। स्टे पेशेंट का, अटेंडेंट पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, उसमें अप टू IBI अप्रूवल ऑफ द IBI इट इज एक्सेप्ट, बियॉन्ड दैट एक्सेप्ट, अप्रूवल ऑफ द IBI इट इज एक्सेप्ट, बियॉन्ड इट एक्सेप्ट। इन ट्रैवल में याद रखो अप टू 2,00,000 GTI अप टू 2,00,000 GTI अप टू 2,00,000 एक्सक्लूडिंग ट्रैवल पर एग्जाम। इफ योर GTI एक्सिस 2,00,000 अप टू 2,00,000 एग्जाम, 2,00,000 है तो चिंता मत करो, 2,00,000 में एग्जाम एक्सेस और 2,00,000 है तो फुली टैक्सेबल। IBI का तो देखना ही नहीं, IBI का तो देखना ही नहीं, ट्रैवल आपको याद रखना पड़ेगा आपको 2,00,000 GTI डायरेक्शन, बियॉन्ड देयर फुली टेस्टेड। GTI में ये ट्रांसपोर्ट का वर्क नहीं लेना है, ट्रैवल बाकी सब कुछ लेना है। स्टे वाले स्टे का भी लेना है आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी टैक्सेबल पोर्शन लेना है। इन इंडिया मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में दिया गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया गया है। स्पेसिफाइड डिसीज CA के डिसीज की वजह से कहीं पे भी आपको ट्रीटमेंट दिया गया है, गवर्नमेंट रिकमेंडेड हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सब एग्जाम पे, एंड अदर ऑल फैसिलिटीज अप टू 15,000 एग्जाम, अप टू 15,000 15,000 तक वो एग्जाम रहेगा। कार एंड कन्वीनियंस, वैसे तो बच्चों को टफ लगता है लेकिन वेबसाइट का चार्ट देखेंगे तो इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले ओन बाय एम्प्लॉई, यूज बाय एम्प्लॉई, रनिंग मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉई, नो फॉल, ओन बाय एम्प्लॉई। बुक में ना पहले एम्प्लॉय दिया है लेकिन मैं इसी पर इसी वजह इसलिए मैं एम्प्लॉई लेके करवाता हूँ कि ओन बाय कौन है, एम्प्लॉई, रनिंग मेंटेनेंस बाय कौन है, एम्प्लॉई। तो ऑफिस के लिए यूज किया, प्राइवेट के लिए यूज किया या पार्टली किया, लेकिन सब एम्प्लॉई ने किया है, एम्प्लॉयर ने कोई दिया ही नहीं है तो नो फॉल, तो नो फॉल। ओन्ड बाय एम्प्लॉई, रनिंग मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर, ऑफिस पर्पस नो फॉल, प्राइवेट पर्पस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्यों एम्प्लॉयर ने पे किया था, प्राइवेट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर, पार्टली है ना तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस लिमिट जो आगे आएगा 1800 और 2400 पर मंथ। अगेन ऑन बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई नो पर, ऑन बाय एम्प्लॉई रनिंग मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर, ऑफिस नो पर, प्राइवेट में एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड पार्टली में एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस 1800 और 2400 पर मंथ, दैट इज द लिमिट गिवन। नेक्स्ट पार्ट देखो अपने चार्ट का, ओन बाय एम्प्लॉयर, रनिंग मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉई, ऑफिस नो पर, प्राइवेट में 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड पार्टी में आपको 900 पर मंथ, 600 और 900 दो पार्ट है, 600 और 900 पर मंथ टैक्सेबल करना है। फिर 1800 2400 है, 1600 CC से कम है, 1800 से ज्यादा है तो 2400, यानी अप टू याद रखो, अप टू 1600 1800 और 600, बियॉन्ड 1600 CC का इंजिन कैपेसिटी, बियॉन्ड 1600 CC का इंजिन कैपेसिटी तो 2400 और 900। फोर्थ पार्ट
owned by employer, running maintenance by employer, office no per private में 10% overhead cost plus actual expenditure and partly में तो directly limit है 1824 per month. कहीं पे भी driver provide किया है जो सफर बोलते हैं driver 900 per month extra will be chargeable. याद रखो owned by employee, running maintenance by employee, no per, owned by employee, running maintenance by employer, office no per, private में actual expenditure and partly में actual expenditure minus 1800 and 2400 whatever applicable. Owned by employer, running maintenance by employee, office no per, private में 10% of original cost and partly में expenditure minus 1800 or 2400 per month. Last owned by employer, running maintenance by employer, office no per, private में 10% of original cost plus actual expenditure and private में limit 1824 per month. 1600 से ज्यादा है तो higher limit और 1600 तक lower limit. आपको अगर automatic vehicle दिया है तो scooter and etc. Office no per, private में actual expenditure and partly में 900 per month. हाँ, two wheeler में driver नहीं होता है इसलिए यहाँ पे 900 driver का नहीं दिया है. कई बार एम्प्लॉय को ऐसा लगता है मैं एक ही बार लेके गया था इतना एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है, तो वो लॉग बुक मेंटेन करेगा जिसमें डिटेल रखेगा कौन सी जर्नी के लिए कब कब उसने यूज किया है, कितने किलोमीटर है इन एक्सेट्रा. लॉग बुक मेंटेन एंड सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर, रोज ये दोनों देख करके आप कम टैक्सेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो. पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज ए होल एंड एक से ज्यादा कार दी गई है तो पार्टली यूज कर रहे हो, पांच कार है पांच पार्टली यूज कर रहे हो, एक है वो पार्टली काउंट कर रहे हैं बाकी सब है वो फुल्ली प्राइवेट, फुल्ली प्राइवेट आपको काउंट करना है. ऑफिस से रेसिडेंस के लिए कन्वीनियंस फैसिलिटीज जज यूपीएससी मेंबर्स वो सबको एग्जाम है वो आपको याद रखना है. छोटे मोटे पार्क दिए हुए हैं फ्री ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग गीता ड्राइवर फ्रेंड ड्राइवर अपने एम्प्लॉय को घूमने का अलाउ करेंगे तो वो कॉस्ट टैक्सेबल. अनदर थिंग, रेलवे एंड एयरलाइन एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एग्जम्प्ट है. लंच एंड रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, एक्सटेंडेड आवर्स एंड ऑल्सो रिमोट एरिया एग्जम्प्ट एंड अदरवाइज लंच एंड रिफ्रेशमेंट मैक्सिमम पर मील 50 with the non-transferable voucher will be exempt. Then in lunch, extended office hours, then offshore, remote, वहाँ सब सब पे exempt है. बाकी 50 rupees per meal, 50 rupees per meal. Non-transferable voucher यानी हेमल को मिला तो हेमल ही खाने खा जा सकता है, ऐसा नहीं बोलता रोहित तू जा क्या ना भाई वाउचर लेते जा, ऐसा नहीं कर सकता. Traveling, touring and accommodation. Traveling, touring and accommodation. कहीं भी ऑफिस ड्यूटीज आपको भेजा है आप और इनको साथ में लेके गए हो ज्यादा रुक गए तो प्रोपोर्शनेटली आपका टैक्सेबल होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा. गिफ्ट वाउचर एंड टोकन, गिफ्ट वाउचर एंड टोकन इन काइंड है, इन काइंड है तो अप टू 5000 एक्सम, इन काइंड है तो अप टू 5000 एक्सम, इन केस है तो फुली टैक्सेबल. क्रेडिट कार्ड है तो लॉग बुक मेंटेन किया है तो कम टैक्सेबल कर सकते हो, बना क्रेडिट कार्ड ऑफिस से जितना हुआ है ना उतना नॉट टैक्सेबल, बाकी का है वो टैक्सेबल. क्लब फैसिलिटीज, क्लब एक्सपेंडिचर, क्लब एक्सपेंडिचर में आपको वन टाइम डिपॉजिट अटैच विद एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाओगे तो वहां से आपको निकाल देंगे तो वो डिपॉजिट आप एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा. बाकी यूनिफॉर्म वाली टोल एम्प्लॉय हेल्थ के लिए जो क्लब फैसिलिटीज दी जाती है वो सब एम्प्लॉय के हाथ में एकदम आना जाएगा. क्रेडिट कार्ड है ऑफिस यूज जितना एग्जाम, क्लब है और ऑफिस यूज जितना एग्जाम, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय लंबा टिक के इसीलिए जो शेयर देते हैं कम प्राइस में, दैट इज ESOP. समझ लो मार्केट प्राइस 130 थी, एम्प्लॉय को दिया 40 में. एक्सरसाइज डेट एंड एक्सरसाइज प्राइस इज इंपॉर्टेंट, तो 130 माइनस 40 यानी 90 रुपीज पर शेयर विल बी वैल्यू ऑफर, मार्केट प्राइस 130
मिला आपको 40 में, वैल्यू ऑफ पर मीटर 19 इन योर बुक। इतना याद रखना है एक्सेलरेटेड एंड उसका मार्केट प्राइस, दैट विल बी योर सेल कंसीडरेशन। अपवर्ड सुपर इंडेक्स ने बताया तो 150,000 तक एक जोन, अदर बेनिफिट अमेनिटीज कुछ भी है तो वो आपको आर्म लेंथ प्राइस यानी विलिंग बायर्स एट रिजनेबल मार्केट प्राइस से वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन मोबाइल एग्जाम, लैंडलाइन है तो 1500 तक पर मंथ, 1500 बोल तक पर मंथ इनके तो चार्ज एंड मेंबर्स, बियॉन्ड दैट इट इज टैक्सेबल, बियॉन्ड दैट इट इज टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन हमने आगे के तो देख लिए हैं। प्रोफेशनल टैक्स क्या है, पेमेंट बेस पे अलाउड है। प्रोफेशनल एक्ट ने मैक्सिमम 2.5 जो बोला है एक, एक साल में, लेकिन हमारा इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलता है, इसीलिए किसी ने भी 4000 भर दिया है 2000 करंट 2000 फास्ट तो फुल फोर अलाउ होगा आपको, पेमेंट बेस पे म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड होगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है वो उसमें से वो चार पार्ट है, एसपीएफ आईपीएफ यूआरपीएफ एंड जीपीएफ। सिक्योरिटी फंड जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, वो लोग मेंटेन करते हैं, कितना भी एम्प्लॉयर डालेगा वो एग्जम, एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन है वो फुली एग्जम, एटीसी का रिडक्शन भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट हो रहा है। लमसम पेमेंट है जब आप आएगा ना ऑलवेज एग्जम होगा, एटीसी में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में लमसम पेमेंट भी आपका है वो एग्जम होगा। आईपीएफ अप टू 12% ऑफ द कंट्रीब्यूशन बेसिक का डी इन टर्म्स का समेशन ऑफ टर्नओवर इतना आपका एग्जम, बियॉन्ड दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन आपने 5 साल से ज्यादा जॉब किया है ना तो ये आईपीएफ अप्लाई होगा, वरना वो यूआरपीएफ हो जाएगा। लेकिन 5 साल के कम जॉब करने की वजह आप नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेशन है, बियॉन्ड योर कंट्रोल है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका विथड्रो नहीं होगा। तो स्टेच्यूटरी कॉर्पोरेशन सब कुछ एकदम, नो लिमिट, आईपीएफ 12% लिमिट एंड 5 साल वहां रहने का लिमिट, एंड इंटरेस्ट आएगा 9.5%, पीएफ इंटरेस्ट आएगा 9.5%, यूआरपीएफ डिपॉजिट करो तब एग्जाम, एटीसी नॉट अवेलेबल, इंटरेस्ट एग्जाम, लमसम अमाउंट आएगी ना, तो जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लमसम अमाउंट में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उसका इंटरेस्ट वो सैलरी, वो आपका सैलरी में आएगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी चार्ज इनकम में से है तो वो कंसिडर आपको नहीं करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, रिमेंबर दैट, अगेन रिपीट इट। आईपीएफ 5 साल से पहले बेच दिया तो यूआरपीएफ ट्रीट होगा, यूआरपीएफ ट्रीट होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट वो दोनों, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट अदर सोर्सेस, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी अर्लियर चार्ज उसका इंटरेस्ट अदर सोर्सेस। रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट सैलरी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट सैलरी, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नॉट चार्ज, एम्प्लॉई का इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेस, उसका लॉजिक है, एम्प्लॉयर कुछ भी देता है ना सैलरी होता है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पहले चार्ज हो गया और उसका इंटरेस्ट है वो आपको अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करना है। यूआईपीएफ एटीसी में अलाउड नहीं, डिपॉजिट कितना भी कर सकते हो, सिर्फ विड्रॉ करोगे ना तो कंपलसरी, हमने जब रूल बोला ना यूआईपीएफ का एम्प्लॉयर पूरा सैलरी, एम्प्लॉई का इंटरेस्ट अदर सोर्सेस, वो आपको यूआईपीएफ में फॉलो करना है। आईपीएफ बिलो 5 ईयर्स है तो यूआईपीएफ माना जाएगा, उसके एक्सेप्शन हमने देखे अभी कि आपके कंट्रोल में नहीं था इसीलिए आपको क्लोज करना पड़ा, जॉब चेंज किया आपने और सेम पीएफ कंटिन्यू रहा तो आपका आईपीएफ यूआईपीएफ नहीं होगा। एंड पीपीएफ में एम्प्लॉई का से कंट्रीब्यूशन होता है, पोस्ट और नेशनल में डिपॉजिट करवाते हैं, एटीसी में भी डिडक्ट मिलेगा, विंडो करोगे तब भी वो एग्जम्प्ट है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा। सुपर इंडियन नॉट डिपॉजिट किया 150,000 तक एग्जम, एटीसी क्वालिफाइंग, इंटरेस्ट उसका एग्जम होगा, एंड रिफंड डेथ ऑफ एम्प्लॉई के बाद कुछ मिलेगा रिफंड तो वो एग्जम माना जाएगा। एटीसी और डिडक्शन में साथ करेंगे, एटीसी भी करने की जरूरत नहीं है, एंड एरियस है 1351 में लास्ट में
एरियस तो एडवांस ऑफ सिलेज अभी आपको मिलता है, जिस ईयर का एरियस है, 5-6 का एरियस है, तो 5-6 का विदाउट एरियस टैक्स विथ एरियस टैक्स उसका डिफरेंस करंट ईयर में मिला है, करंट ईयर में विदाउट एरियस टैक्स एंड विथ एरियस टैक्स उसका डिफरेंस, पास्ट का डिफरेंस एंड करंट का डिफरेंस, उसका डिफरेंस है वो एरियस का रिलीफ है, वो एरियस का रिलीफ है वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ऑल द पास्ट रिविजन टू फॉर योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स, शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल ग्रुप्स ऑल फ्रेंड्स फॉर देयर बेनिफिट्स, विजिट तेजवान इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द थियोरी एंड चार्ट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब YouTube चैनल तेजवान इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।